हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विरत दुबे है और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स में सेशन में हम लोग 17 से 18 अप्रैल 2020 से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो व्हाट्सएप नंबर हैं उनमें से किसी एक पर जुड़ने से प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के लेखपाल के लिए विशेष कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए और जो संबंधित कह सकते हैं कि जानकारियां हैं उसको पाने के लिए इन दो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस करंट अफेयर सेशन को शुरू करते हैं। और इस करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिखा है, नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ अनाउंस्ड COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ द सार्क कंट्रीज़। यानी सार्क देशों के जो भी स्वास्थ्य देखभाल करने वाले या स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले जो पेशेवर हैं उनके साथ भारतीय कौन सा मंत्रालय है जो COVID-19 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है। तो ये जो मंत्रालय है उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसे आप फॉरेन अफेयर्स के नाम से भी जान सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA जो है, MEA इसने अनाउंस किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि COVID-19 से लड़ने के लिए है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका अप्रैल 17 से शुरू होता है। इसमें सार्क कंट्रीज़ के जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसका नाम है सेंटर्स इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसको आईटेक के नाम से भी जाना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, विच इंडियन नेशनल पार्क हैज़ बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर फॉर एनिमल्स। कौन सा राष्ट्रीय पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन केंद्र बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिम नेशनल पार्क। इसे हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत का काफ़ी सबसे कह सकते हैं कि प्राचीन नेशनल पार्क में से एक है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे नेशनल पार्क्स के और भी नाम देख सकते हैं और बड़ी बात ये है कि उनके साथ ये कहाँ पर लोकेट हो रहे हैं ये भी साथ साथ लिखा हुआ है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी बेटा असम में है, और नागलहोर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में है। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, फिर बता दे रहा हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कह सकते हैं नेशनल पार्क भी है जो कि नैनीताल में है उत्तराखंड के। ठीक है, इसी को COVID-19 के लिए जानवरों के लिए पहला क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट लिखा है, नेम द इंडियन स्टेट विच प्रोवाइड्स फ्री फूड टू सिटीजन्स वाया मुख्यमंत्री दीदी किचन। यानी कि उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो एक प्रोजेक्ट है MMDK, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ये इसकी सहायता से भोजन प्राप्त कराने वाला जो जो राज्य है उसका नाम है झारखंड। ठीक है, और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि इस तरीके से जो है जो जितने भी कह सकते हैं नीडी पीपल्स हैं या जो कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से कई किसी प्रकार से डिसेबल्ड हैं, बच्चों के लिए या जो भी दूसरे बेचारे गरीब जो हाउस होल्ड्स हैं गांव के दूर दराज के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भोजन प्राप्त कराने की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 4,185 कम्युनिटी किचन्स जो हैं वो शुरू करे जा चुके हैं। ये भी अब बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद विच पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज़ पार्टनर टू लॉन्च भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के साथ सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर यानी BSNL ने भारत इंस्टा पे UPI आधारित भुगतान भुगतान मंच लॉन्च करने की भागीदारी की है? तो ये जो बैंक है जो कि BSNL के साथ मिलकर के भारत इंस्टा पे UPI आधारित भुगतान प्रणाली को शुरू करेगा, इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि BSNL और SBI जो हैं इन दोनों ने मिलकर के एक UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जिसको बोलते हैं UPI बेस्ड एक पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है इंस्टा पे। और इसके द्वारा जो है जितने भी BSNL के जो पार्टनर्स हैं या BSNL के जितने भी चैनल्स हैं जहाँ पर पेमेंट मोड होता है उसको डिजिटलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बार्सलेज हैज़ फोरकास्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर 2020 एज 0%। वॉट इज़ द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्टेड एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर ईयर 2021? तो बार्कलेज ने तो 2020 तक के भारत की GDP की वृद्धि दर को 0% तक बताया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार
भारत का पूर्वानुमानित विकास दर क्या होगा? तो भारत का ये पूर्वानुमानित विकास दर जो है 1.9% होगा। कितना होगा? 1.9%। और अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो ये फिर भी काफ़ी ठीक है, लगभग 2% के आसपास है, 1.5 से ज़्यादा है। 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो IMF ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2020। इसमें इंडिया की GDP को बताया गया है, डिक्लेयर किया गया है कि GDP की जो रेट है वो 1.9% होने वाली है 2021 के स्टार्टिंग से अगर देखा जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी बात भी है कि ये IMF ये भी कहता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2021 के लिए अगर इंडिया की इकोनॉमी रेट देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और उसका अनुमान है कि उस समय इंडिया की ग्रोथ रेट करीब 7.4% के आसपास होगी। तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसे पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है MSD को, यानी महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पहले जो इसके कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर थे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, जो कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, नेम द कंपनी विच हैज़ वोन द एडिशन अवार्ड 2020 फॉर द कैंपेन नेम्ड क्लब एनर्जी #, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। तो क्लब एनर्जी, ये क्लब एनर्जी #, स्विच ऑफ टू स्विच ऑन नामक अभियान के लिए एडिसन अवार्ड 2020 जीतने वाली कंपनी का नाम बताइए। यानी आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसके जो क्लब एनर्जी का हिस्सा है, और क्लब एनर्जी की तरफ से जो कह सकते हैं स्विच ऑफ टू स्विच ऑन नामक जो अभियान चलाया गया है उसके लिए एडिसन अवार्ड जीत करके लाने वाली कंपनी का आपको नाम बताना है। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है टाटा पावर। ठीक है, तो टाटा पावर के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड क्लब्स एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एनर्जी रिसोर्स कंजर्वेशन क्लब। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पहला जो है रिसोर्स एंड कंजर्वेशन क्लब है, एनर्जी एंड रिसोर्स कंजर्वेशन क्लब ऑफ इंडिया है, जिसने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। और सिल्वर मेडल किस कैटेगरी में जीता हुआ है ये भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, अंडर सोशल इनोवेशन सब कैटेगरी, सोशल इनोवेशन सब कैटेगरी के में ये अवार्ड किया गया है और सिल्वर मेडल इसको मिला है। ठीक है, और ये जो कंपनी का क्लब एनर्जी है ये करीब 12 साल पुरानी एक कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव था, जो कि स्कूली बच्चों में जो कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर के जो जागरूकता अभियान है उसको करने का एक प्रयास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच हैज़ लॉन्च्ड बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट टू प्रोड्यूस सीमेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम आपको बताना है जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न भाग को सीमेंट खरीदने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है YSR निर्माण। इसका नाम क्या है? YSR निर्माण। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो YS जगन मोहन रेड्डी जी ने YSR निर्माण नाम की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करी है। कब शुरू करी है? 6 अप्रैल को। और इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के तमाम सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सीमेंट परचेज करने में सहायता मिलेगी, और जिससे कि जो गवर्नमेंट के जो काम हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है पोला, यहाँ पर एक प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड हाउसिंग एंड रोड्स से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट हैं या दूसरे भी जो गवर्नमेंट से संबंधित काम हैं उनको उनको जो है सीमेंट की परचेज में सहायता मिलेगी। जिससे अब सहायता किस प्रकार से मिलेगी कि इस पोर्टल पे जाकर के उन्हें अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट और प्रेजेंट टाइम में कितनी सीमेंट रह गई है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी डिमांड है, इन सारी चीज़ों की कह सकते हैं कि वहाँ पर लिस्ट वहाँ पर आराम से उनको मिल जाया करेगी, जिससे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को आसानी होगी किसी भी चीज़ को डेवलप करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, नेम द कंट्री विच हैज़ लॉन्च मल्टीपल शॉर्ट रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स इन टू सी। हाल ही में आपको बताना है उस देश का नाम जिसने छोटी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल को समुद्र में लॉन्च किया है। तो इस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो किसने किया है ये? नॉर्थ कोरिया ने किया है, और करीब 150 किलोमीटर की रेंज में इन्होंने कई सारी मिसाइल से दाग करके देखी हैं, जिसमें
जिससे कि जो हवा से कह सकते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल हैं, जो कि वायु से धरती की ओर निशाना लगा सकेंगी, क्योंकि एंटी शिप क्रूज मिसाइल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि शिप पर निशाना लगाएंगी। तो ये काम अभी किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2020 वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2020 को प्रतिवर्ष कब मनाया गया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 14 मार्च, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 14 मार्च को। और यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च 14 एंड एम्स टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हेल्थ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर शेड्स। तो ये कुल मिलाकर के जो दिवस मनाने का जो मेन मोटो है वो क्या है, जिससे कि लोगों के प्रति, लोगों में जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो पैदा करी जा सके कि किस तरीके से जल संरक्षण जो प्रोजेक्ट हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके और जल संरक्षण के जो उपाय हैं वो बताए जा सकें, जल प्रबंधन के बारे में बताया जा सके। 2020 में जो 14 मार्च को ये जो मनाया गया है, ये 22वां इंटरनेशनल डे फॉर रिवर एक्शन एक्शन फॉर रिवर्स था, ये 22वां था। और इसकी जो थीम थी वो थीम थी वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, वुमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ये थीम है इंटरनेशनल डे फॉर, डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ठीक है, जो कि 14 अप्रैल को मनाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम प्रगति, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने प्रगति नाम का एक पहल की शुरुआत करी है। तो यहाँ पर तमाम सारे ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन जो इसमें से है वो है फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक ने प्रगति नाम की एक पहल की शुरुआत करी है। अब इसमें क्या है, इसमें कहा जा सकता है कि फेसबुक विल इंक्यूबेट एंड एक्सिलरेट अर्ली स्टेज वुमेन लेड नॉन प्रॉफिट्स, यानी वो कह सकते हैं कि जो फेसबुक है वो बढ़ावा देगी, किन्हें बढ़ावा दे रही है, अर्ली स्टेज वुमेन लेड नॉन प्रॉफिट्स दैट वर्किंग टू ड्राइव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग द वुमेन इन इंडिया। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो जो कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह जो होती हैं उनमें टेक्नोलॉजी का अगर अडॉप्शन प्रॉपरली अगर आ जाता है तो वो जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से ग्रो अप हो सकता है। और मुख्य रूप से फेसबुक ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप करने वाली महिलाओं द्वारा संचालित की जाने वाले जो एंटरप्रेन्योरशिप्स जो होंगे उनको वो कहीं ना कहीं लीड करेगा, एक्सेलेट करने में सहायता करेगा। और ये जो पहल है, इस पहल का नाम ही है प्रगति। और इसमें एक और बात भी है, लिखा है फेसबुक प्रगति विल अवार्ड फॉर ग्रांट्स फॉर अप टू 50 लाख फॉर ईच नॉन प्रॉफिट टू स्केल देयर वर्क्स। तो इसमें 50 लाख रुपए तक का कह सकते हैं कि जो अनुदान राशि है वो भी देने का बात फेसबुक कर रहा है, जिससे कि ग्रो अप हो सके इस फील्ड में लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इन इंडिया एज पर द डेटा ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। वाणिज्य और उद्देश्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2020 में निर्यात में प्रतिशत गिरावट कितनी है? तो ये गिरावट जो है वो 4.78% है, जिसकी जो राशि की अनुमानित अगर निकाली जाए दैट इज 314.31 बिलियन US डॉलर। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज़ डिक्रीज्ड बाई 34.57%, विच इज़ अप्रॉक्स 21.41 बिलियन US डॉलर, जो कि COVID-19 के प्रभाव के कारण कम हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर टोटली इस मंथ में अगर देखा जाए, अगर टोटली ओवरऑल पूरे ईयर की बात कर दी जाती है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो डिक्रीमेंट रेट है दैट इज़ ऑफ 4.78%, जिसकी कह सकते हैं कि ओवरऑल राशि की अगर बात करी जाए तो 314.31 बिलियन US डॉलर होगी। लेकिन आगे जो है इसके बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट COVID-19 की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स को इसमें घाटा उठाना पड़ा है, जिसमें से एक्सपोर्ट सेक्टर को भी घाटा उठाना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम बात करेंगे तो लिखा है, तमस अजान हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ। तमस अजान ने हाल ही में किस निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है?
तमस अजान ने इस्तीफा दिया है IWF के अध्यक्ष के पद से। अब IWF क्या है? IWF है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है ये। इसके प्रेसिडेंट थे तामस अजान, 81 वर्ष के थे। इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा है करप्शन का और डोपिंग वगैरह का आरोप लगा हुआ था, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया है। और इनके रिज़ाइन करने के बाद जो कह सकते हैं कि जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया है उनका नाम है उर्सला पैपेंडेरा, ठीक है, उर्सला पैपेंडेरा। और ये पहली महिला कह सकते हैं प्रेसिडेंट हैं IWF की, ये भी आपको ध्यान रखना है। IWF का हेडक्वार्टर बुडापेस्ट में है, बुडापेस्ट हंगरी में है। तो ये थी दोस्तों आज के सेशन की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पॉइंट्स जो है वो मिले होंगे। इनको बारीकी से याद करिए, समझिए और नोट्स बना करके रखिए। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले बताया, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।